आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो आज का सीन कुछ ऐसे होने वाला है कि आज अपन लोग जाने वाले रायपुर झांकी में, मतलब गणेश विसर्जन का जो पूरा सब जो मेन मेन गणेश होते हैं उसका झांकी निकलता है रायपुर में, और सब बाहर के डीजे आ रहते हैं बड़े बड़े। तो आज चलते हैं सीधा रायपुर की ओर, दिखाता हूँ आप लोग को। मैं तो अभी फिलहाल गाँव में हूँ, घर में, और चलते हैं रायपुर। सबसे पहले तिल्लानी और जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या सीन है। नाइट में निकलेगा पूरा झांकी, तो दिखाता हूँ आप लोग को कि अपने रायपुर शहर का झांकी कैसे होने वाला है इस बार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी अपन लोग नेवरा पहुँच चुके हैं। अभी जा रहे हैं अपन लोग जीत भाई की दुकान, उनका पंडाल निकल चुका है जीत भाई का, क्योंकि उन्होंने विसर्जन कर चुके थे 17 तारीख को ही भी विसर्जन कर दिए थे वो तो अपने गणेश जी का। दिखाता हूँ पंडाल किस प्रकार से निकल रहा है, मतलब अभी निकल गया पूरा, देखो ये। तो भाई लोग, अभी अपन लोग जीत भाई की दुकान में पहुंच गए हैं। ये अपने जीत भाई हैं, ये दे भाई का दुकान है। तिल्ला नेवरा वाले जरूर संपर्क करना भाई की दुकान में भाई। उसके बाद अपन लोग आ गए थे नेवरा झांकी देखने के लिए, जहाँ पे नेवरा में ये जो काली वाला थीम जो चल रहा है अपन लोग के सामने देख सकते हो, ये झांकी टाइप निकला था एक, इसमें जो यहाँ के पार्षद जो हैं उन्होंने बुलाया था, ये नागपुर की टोली आई थी यहाँ पे खास ये प्रोग्राम करने के लिए। तो आपको इसका क्लिप भी दिखाता हूँ कि क्या क्या सीन था, क्या था यहाँ पे। अपन लोग अंदर जाके वीडियो वगैरह शूट किए। हेलो गाइस, अभी अपन लोग निकल चुके हैं तिल्ला नेवरा से रायपुर झांकी देखने के लिए। आप लोग को चेक कराता हूँ कि कैसा रायपुर झांकी अपने शहर का। गाड़ी में ले जाते हैं, सो गाइस अभी जो है अपन लोग रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर शहर का कुतुब मीनार, फ्रेंड्स देख सकते हो, जैसे कि अभी अपन लोग रायपुर में एंटर कर चुके हैं। फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो, अभी रात के बज रहे हैं कुछ एक, और एक बजे भी इतना ज़्यादा भीड़ है, देखो पब्लिक, देखो दिस इज रायपुर। ये बूढ़ा तालाब है बगल में, और ये स्टेडियम है रायपुर का। के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे जैन तब हमको पाना है। सो गाइस, आप जो मूर्ति देख रहे हो ये अपने रायपुर के लाके नगर चौक में बैठा था, जहाँ पे ये मूर्ति जो है रील में बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा था रील में भी देखा होगा कई जने ने। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का पंडाल का थीम था, ऊपर में कुछ इस प्रकार से लाइटनिंग थी, और जिस दिन इसका विसर्जन हुआ उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी इस पंडाल में, आपको क्या बताऊँ। तो फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा, देखेंगी तेरी राह।
इसीलिए कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। सो गाइस, रायपुर के झांकी वाले दिन जो नाइट का माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा बहुत सारे शॉप्स ओपन रहते हैं, और जैसे कि देख सकते हो ऐसा कुछ मार्केट रहता है। ये मैं हूँ और आगे में सारे दोस्त लोग घूम रहे हैं, और आजू बाजू में देख सकते हो पूरा मार्केट है, और माहौल ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। बहुत लोग आए रहते हैं बाहर बाहर से, आस पास के गाँव से और आस पास के शहर से भी झांकी देखने के लिए। तो गाइज़ अपन लोग झांकी से निकल के उधर भीड़ भड़ाका से निकल के इधर खाली की ओर आ गए हैं,
और इधर भी अपन को गणेश भगवान ही दिख रहे हैं, सब तरफ दिखाता हूँ। जैसे कि देखना ये क्यूट, एकदम क्यूट से और बड़े से गणेश जी दिखे। और अपन लोग बस ऐसे घूम ही रहे थे, दूसरे जगह जा रहे थे क्योंकि झांकी जो है घूम के आगे जाने वाली है, तो अपन लोग यहाँ से आगे जा रहे थे। सो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये छोटा सा व्लॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद से मेरा फ़ोन जो है पूरा ऑफ हो चुका था, जिसके कारण मैं वीडियो में नहीं बना पाया आगे का, रायपुर के आगे झांकी का कहाँ पे विसर्जन होता है क्या नहीं। कि यहाँ से जो मूर्ति है सब जाते हैं महादेव घाट, और महादेव घाट में एक कुंड बना हुआ है जहाँ पे सब मूर्ति का विसर्जन किया गया। सॉरी फॉर देट, बट मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा मोबाइल जो पूरा डेड हो चुका था, ना ही मेरे पास चार्जर थी ना ही कुछ था, और चार्जर भी होता तो मैं नाइट में कहाँ चार्ज लगाता। इसी कारण मैं चार्ज नहीं कर पाया मेरे फ़ोन को और वीडियो भी नहीं बना पाया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप आने वाली है वो अपने तिलदा नेवरा के ऊपर आने वाली है। तिलदा नेवरा में भी झांकी टाइप से निकला था जब विसर्जन हुआ गणेश जी का, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं और ऐसे नए नए कंटेंट के साथ।